लेबनान और गाजा में लगातार इजरायली हमले जारी हैं और ईरान के साथ भी तनातनी चल रही है। इन दिनों पूरा मिडिल ईस्ट तनाव में है, लेकिन ऐसे में परमाणु हथियार रखने वाला इकलौता मुस्लिम देश पाकिस्तान गायब है। इजरायल के हमलों के बीच ये कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान को इस पर बयानबाजी करके पल्ला झाड़ने के बजाय कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान इन दिनों बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन वो परमाणु बम रखने वाला देश होने के साथ ही इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का संस्थापक और प्रमुख सदस्य भी है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान और इजरायल के बीच एक गहरी समझ है जिसके बारे में दुनिया कम ही जानती है। पाकिस्तान अमेरिका का करीबी है, इसलिए इजरायल के साथ भी रिश्ता है। इजरायल के साथ कोई राजनयिक संबंध ना होने के बावजूद पाकिस्तान उससे खुफिया तौर पर तकनीकी मदद लेता रहा है। 3 अगस्त 2023 को एक रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने दावा किया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं, तो वहीं हार्टेज पेपर के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर सिंगापुर में खरीदा गया था। यानी दुनिया के सामने कुछ और तस्वीर है, मगर पाकिस्तान के लिए इजरायल अछूत नहीं है। हालांकि गाजा में इजरायली कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान ने जरूर थोड़ा किनारा किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में ये दोनों देश करीब आ सकते हैं। ईरान इन दिनों इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगा है, मगर पाकिस्तान नहीं चाहता कि बहुत आक्रामक होकर वो इजरायल के साथ भविष्य की किसी गुंजाइश को खत्म करे। सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि गाजा का मुद्दा शांत होगा तो सऊदी अरब फिर से इजरायल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य बनाने पर काम कर सकता है। पाकिस्तान पर आवाम का दबाव होगा, लेकिन आने वाले समय में वो जरूरत के मुताबिक इजरायल के लिए नरम पड़ सकता है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक OIC के ज्यादातर सदस्य इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर निष्क्रिय रुख अपनाया हुआ है, जो फिलिस्तीन मुद्दे पर 2-स्टेट समाधान का समर्थन करने तक सीमित रहा है। ईरान ने पाकिस्तान को भांपने के बाद ही परमाणु ताकत हासिल करने की अपनी कोशिशें तेज की थीं। तंगहाली का सामना कर रहे पाकिस्तान से गाजा और फिलिस्तीन को सहायता सामग्री भेजने को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें एक राष्ट्र के रूप में ज़ायोनी ताकतों के कहर से जूझ रहे फिलिस्तीनी भाइयों की मदद के लिए सक्रिय होना होगा। इसके लिए देश के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों को राहत गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। गजा के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को पाकिस्तान में शैक्षिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ फिलहाल सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक बड़ी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में उसे एक बार फिर सऊदी अरब से एक बड़ी आर्थिक मदद मिलने वाली है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब से आने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ $2 अरब से ज़्यादा के समझौतों पर साइन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार विपक्ष को देश को आर्थिक प्रगति के रास्ते से भटकाने नहीं देगी। उनका ये तंज देश में इमरान खान की पार्टी PTI के हालिया प्रदर्शनों को लेकर था। इस साल की शुरुआत में सऊदी का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान दौरे पर आया था, लेकिन इसमें पाकिस्तान को कोई खास निवेश नहीं मिल पाया था। अब एक बार फिर पाकिस्तान के विदेश विभाग ने जानकारी दी है कि सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलीह 9 से 11 अक्टूबर तक एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सऊदी प्रतिनिधिमंडल 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन से पहले इस्लामाबाद पहुंचेगा। साथ ही कहा कि सऊदी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट को संबोधित करते हुए कहा कि हम सऊदी अरब के साथ $2 अरब से ज़्यादा की डील या MOU साइन करने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब हाल के महीनों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश डील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस
मोहम्मद बिन सलमान ने इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान को $5 बिलियन के निवेश पैकेज में तेजी लाने के लिए किंगडम की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। पाकिस्तान आर्थिक संकट के चलते विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहा है। सऊदी के निवेश के साथ पाकिस्तान को इस संकट से बाहर आने में मदद मिल सकती है।